Hello friends, in this video I am not going to shoot my video and after some time I will also mute my voice. So you will be able to see only the screen because of some reason. But you will be able to understand what I am doing. I will be going very slow and if required I will talk in between. So I am starting the video. Very first what I have done, I have opened this frame file. So इस वीडियो में हम लोग स्टिचिंग ऑपरेशन देखेंगे एब्स्ट्रैक्शन में, किस तरह से हमारा जो कैड मॉडल हमें ज्योमेट्री मिला है कैड टीम से, उसको सी ई एनालिसिस करने के लिए, फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस करने के लिए कुछ क्यूरिंग हमें करना पड़ेगा, उसमें कुछ एरर्स है तो फ्री करनी पड़ेगी। इसमें हम 3D मॉडल को 2D मॉडल में कन्वर्ट करने वाले हैं। अभी ये वायरफ्रेम मॉडल दिख रहा है, बट हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू वायरफ्रेम वो भी मैं बताऊंगा। सो ये आप स्क्रीन को बस फॉलो कीजिए, मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ मैं फिर से शुरुआत से स्टार्ट करता हूँ। बस मैंने अभी ये स्क्रीन ओपन करके रखी है, उसको मैं अभी शुरुआत से आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। सो फ्रेम फाइल ओपन है, उसको उसका स्टाइल कैसे चेंज करना है, लेयर कैसे चेंज करने है, वो सब मैं बताऊंगा। क्योंकि ये 3D मॉडल है, उसे हमें 2D में सॉल्व करना है। सो मैं चीज़ करता हूँ कि उसको पहले 3D टू 2D कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो उसके लिए हमारे पास एक वायर फ्रेम सॉरी मिड सरफेस एरिया वाला ऑप्शन है। इसको मैं पहले आपको दिखा देता हूँ 3D व्यू में, स्टाइल चेंज कर रहा हूँ, शेडेड विथ एजेस। सो ये एक्चुअल मॉडल है जो कि मैंने कन्वर्ट करके रखा था 2D में। सो अभी मैं उसे फॉर्मेट चेंज कर रहा हूँ लेयर सेटिंग से, कुछ नहीं मैं ये जो 3D मॉडल उसको विजिबल कर रहा हूँ। यहाँ से ये चेकबॉक्स को अनचेक किया था, वो चेक कर रहा हूँ फिर से। सो हियर यू कैन सी द चेंजेस, ये तीन लाइंस दिख रही है, मिडल वाली लाइन जो है वो मिड सरफेस है। यहाँ से फिर से मैं अनचेक करता हूँ तो वो सिर्फ मिड सरफेस दिखेगा आपको। हियर यू कैन सी वेरी प्रॉपरली, अगेन आई एम शोइंग द सेम थिंग। अभी 3D मॉडल दिख रहा है एंड देन ओनली 2D मॉडल। सो एंड यहाँ पहले 1D मॉडल अगर आपका वर्क लेयर है तो उसको 5 करना है। एंड जैसे अभी ये 1 था, मैंने 5 टाइप करने के बाद डोंट फॉरगेट टू प्रेस एंटर की, देन एंड ओनली यू विल सी चेंजेस हियर एंड दिस वर्क लेयर विल चेंज। पहले 5 to 1 करके दिखा रहा हूँ। So now presently 1 is the work layer, but I want fifth layer as a work layer. So here you will see the change after pressing enter. And मुझे इस 3D सर्फेस की भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं नंबर वन वाला जो लेयर उसको इनविजिबल बना देता हूँ बाई अनचेकिंग दैट चेकबॉक्स। सो अभी मुझे कुछ ये गैप आपको दिख रहे क्रिएट हो चुके हैं, है ना, इन बिटवीन उन गैप्स को रिमूव करना है। हियर यू कैन सी प्रॉपरली, जब अपन ने 3D मॉडल को 2D मॉडल में कन्वर्ट किया, जैसे यहाँ पे एक प्लेट थी वर्टिकल, यहाँ एक प्लेट थी। अब इस प्लेट को जब थिकनेस मैंने बहुत कम कर दी, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल, सो बिकॉज ऑफ दिस स्टिक अर्लियर प्लेट एंड ये दूसरी वाली इधर जो हॉरिजेंटल प्लेट है, इन दोनों के बीच में जो गैप क्रिएट हो चुका है, उस गैप को मुझे फिल करना है, रिमूव करना है। हियर यू कैन सी इट प्रॉपरली, ये वाला गैप। तो ये कुल मिलाकर ऐसे
इस तरह का दिखने वाला एक मॉडल है। अब 3D मॉडल का मिड सरफेस कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें मैंने हमारे प्रीवियस वीडियोस में डिस्क्राइब करके रखी है, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, 2D एनालिसिस में मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा इफ़ यू आर वॉचिंग इट ऑन यूट्यूब। सो लेट्स स्टार्ट, अभी जाते हैं इसको पहले स्टाइलिस का वायर फ्रेम कर रहा हूँ, सो इट बिकम्स इजी टू वर्क। सो इसको पहले एनालाइज हम कर लेंगे, किस पार्ट को क्या कहा है, यहाँ से आप उस हर एक पार्ट को हाईलाइट करेंगे तो आपको उसको पता चलेगा विच पार्ट इज़ नोन एज, क्या नाम दिया है। जैसे सी मैं पॉलीगॉन ज्योमेट्री को अनचेक करूँगा ये बॉक्स, तो वो वाला ज्योमेट्री ऑलरेडी पॉलीगॉन ज्योमेट्री हम हाइड कर चुके हैं, तो मिड सर्फेसिस पे अब जाएंगे तो वो हाईलाइट हो जाएंगे, क्योंकि मैंने वर्क लेयर जो है ना फिफ्थ सेट किया है, इसलिए यहाँ पे कुछ हाईलाइट्स नहीं दिख रहे हैं ना ही कुछ अनहाइड हो रहा है आफ्टर अनचेकिंग दिस बॉक्स। सो अभी मिड सर्फेस पे जब हम हॉवर करते हैं तो हमें जैसे बूम राइट फेस है, देन ये बॉटम फेस, देन टॉप, रिब नंबर 1 एंड 2 जो अंदर है यहाँ पे दिख रहा है दो रिब से अंदर, ठीक है, एक 1 है ये 2 है, एंड ईयर से ऊपर ये दो वाले दो जो है ये ईयर 1 एंड 2। सो अगेन वायर फ्रेम में जा रहा हूँ, अभी हमें करना क्या है, ये ईयर लेटर से ये वाला जो ईयर है उसको मुझे नीचे वाले फेस पे जो गैप क्रिएट हुआ वो रिमूव करना है, अटैच करना है। तो गैप अभी फ़िलहाल दिख नहीं रहा, 3D मॉडल में हम देख रहे थे शेडेड वायर शेडेड व्यू में, ये जो शेडेड विथ एज वाला व्यू था उसमें हमें दिख रहे थे गैप्स, बट प्रेजेंटली वी नो दैट देर इज़ ए गैप इन बिटवीन दिस लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड ये जो टॉप सरफेस है बूम का उसमें। सो हमें यहाँ पे पॉलीगॉन ज्योमेट्री के ऑप्शन में एक ऑप्शन है, ग्रुप में एक ऑप्शन है स्टिचेज वाला। सो पॉलीगॉन ज्योमेट्री ग्रुप में काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, यहाँ से आप दे सकते हैं, यू कैन डू सेम थिंग विद बाई यूजिंग ऑल दिज ऑप्शंस अनदर ऑप्शंस। सो एक चीज़ करने के कई तरीके हो सकते हैं, सो मैं एक आसान तरीका बता रहा हूँ, स्टिचेज पे मैंने क्लिक किया है, यहाँ मैनुअल एज इट इज़ रख रहा हूँ मैं, अगर ऑटोमेटिक है तो उसे यहाँ से चेंज कर लीजिए मैनुअल, एज टू फेस रख रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू स्टिच दिस एज स्मॉलर लोअर एज टू द बॉटम सॉरी टॉप फेस ऑफ द बूम। ये फेस का टॉप फेस हमने ऑलरेडी उसे नाम दिया है, जिसने भी कैट ज्योमेट्री बनाई है उस वक्त जो नाम दिए है वही एज इट इज़ है। तो अभी मैं यहाँ पे पहले सोर्स एज को सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि दो एजेस हैं इसकी, दोनों सिलेक्ट करनी पड़ेगी, ये एंड ये दो, एंड टारगेट ज्योमेट्री मतलब हमारा जब फेस है जहाँ हमें स्टिच करना है, तो ये दो फेसेस है, यू कैन सी यहाँ से यहाँ तक का पूरा एक फेस, एंड ये छोटा सा फेस जो ब्लू लाइन दिख रही है ना उसकी। सो आफ्टर वो जब गैप रिमूव हो जाएगा तो ये भी लाइंस ब्लू हो जाएगी। सो टारगेट फेस में सिलेक्ट करता हूँ, अभी मैं टारगेट फेस पे क्लिक कर चुका हूँ, यहाँ पे पॉलीगॉन फेसेस फिल्टर में आ चुके हैं ऑटोमेटिक, जैसे यहाँ क्लिक करूँगा तो सिर्फ फेसेस चूज़ करेगा, ये फेस चूज़ हुआ है, ठीक है, यहाँ एक्चुअली दूसरा वाला रिप अटैच नहीं है ना यहाँ, इसलिए ये कंप्लीट फेस अभी दिख रहा है, जिस जब हम लोग ये रिब का अपर एज इस फेस को अटैच करेंगे तो दो सरफेसेस यहाँ क्रिएट हो जाएंगे, ये यहाँ से यहाँ तक वाला एक ये वाला है एंड दूसरा इधर, ठीक है। फिलहाल अभी मैं ये वाला सिलेक्ट कर रहा हूँ, गलत चीज़ सेलेक्ट कर रहा हूँ, मुझे वहाँ पे नहीं करना था।
सो यहाँ से रिफ्रेश का ऑप्शन है, फिर से दिखा देता हूँ। अच्छा पहले ये भी कर सकते हैं, ये वाला अटैच करके एज टू फेस, ये एज में पहले अटैच कर देते हैं तो दो अलग फेसेस आपको इजीली विजिबल हो जाएंगे, ये एज एंड टारगेट फेसेस दिस वन। ओके अप्लाई करना है तो वहाँ पे वो लाइन ब्लू हो जाएगी, ये वाली मतलब गैप रिमूव हो चुका है। अभी फ़िलहाल यहाँ एक और फेस क्रिएट हो गया है क्योंकि ये लाइन अटैच हो चुकी है। अगेन सेम थिंग, इस ईयर वन को मैं अटैच कर रहा हूँ कहाँ पे, नीचे की दो फेसेस, क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग है, आधी लाइन जो है इस फेस में और बची हुई लाइन इस फेस में, इसलिए दोनों फेसेस को सिलेक्ट करना ज़रूरी है। अप्लाई, सेम थिंग आई एम डूइंग हियर, दो टारगेट फेस एक दो, ठीक है। अब यहाँ पे भी ये लाइन वाली, ये जो लाइन है वो भी ब्लू हो गई, मतलब गैप रिमूव हो गया है। अभी हम सेम चीज़ जो रिब वन इस रिब पे किया था वही इस वाली रिब पे करते हैं, ये भी जो गैप है इन दोनों के बीच में वो रिमूव करते हैं। सो अगेन आई एम चूजिंग दिस एज एंड फेस जो है ठीक से विजिबल करता हूँ ताकि आपको समझे कि मैं कौन सा फेस सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये वाला पॉलीगॉन फेस, सॉरी ये वाला चाहिए मुझे दिस वन। ओके ये आपको ऑटोमेटिक गाइड करेगा सॉफ्टवेयर, अदरवाइज यू कैन राइट क्लिक, सो सिलेक्ट फ्रॉम लिस्ट वाला ऑप्शन आएगा, वहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है जैसे अप्लाई करूँगा ये वाली लाइन भी ब्लू बन जाएगी। अभी जो पर टॉप बूम फेस पे जो भी जितने कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं वो सारे कनेक्ट हो चुके हैं, बस हमें अभी राइट एंड लेफ्ट फेस के जो गैप्स है टॉप बूम से वो रिमूव करने हैं। जस्ट मिनट, वीडियो प्रॉपरली विजिबल है, ऑलरेडी 13 मिनट्स हो चुके हैं, सो मैं थोड़ा फास्ट कवर करता हूँ अभी ये रिमेनिंग पोर्शन ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने। अभी मुझे ना ये वाला जो फेस है यहाँ से यहाँ तक वाला पूरा राइट बूम जिसे कह रहे हैं हम, उसको ये टॉप फेस से अटैच करना है, ये गैप रिमूव करनी है मुझे, ये वाली दिस गैप। सो अगेन सेम थिंग, मैं टॉप सरफेस की सारी एजेस सिलेक्ट कर लेता हूँ, राइट साइड की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ओके एंड टारगेट फेस पांच टारगेट फेसेस। हियर यू कैन सी अपर फेस का जो ये गैप रिमूव हो जाएगा, लाइन ब्लू हो जाएगी अब टॉप फेस वाली, ठीक है। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ गैप फिर भी है, बट जब आप उसका व्यू चेंज करेंगे तो वहाँ आपको इंटरसेक्शन देखने मिलेगा। सी क्लैरिटी के लिए मैं ये विंडो क्लोज कर रहा हूँ।
यहाँ एक इंटरसेक्शन आपको दिख रहा है, देयर इज़ नो गैप, ये टॉप बूम फेस जो है इसको इंटरसेक्ट कर रहा है राइट बूम फेस को। सो ये पूरी तरह से ये वाला गैप रिमूव हो चुका है। अगर आप यहाँ उसको प्रॉपरली देखेंगे तो आपको समझ आएगा। वही सेम चीज़ अगर मैं लेफ़्ट साइड देखूँगा तो यहाँ पे मुझे वाइट सरफेस मतलब पीछे की स्क्रीन जो दिख रही है वो दिखती है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, मतलब गैप रिमूव हो चुका है। तो सेम चीज़ मुझे यहाँ पे भी करनी है। लाइन फ्रेम मॉडल में वो गैप दिखता है, अभी नीचे साइड ही देख लीजिए आप, टॉप बॉटम फेस एंड लेफ्ट राइट बूम जो है, नॉट लेफ्ट राइट बूम के बीच में गैप है, वो रिमूव करके दिखाता हूँ। एंड इस साइड से ऐसा एक कंटिन्यूस लाइन भी आपको दिखेगा, तो आप समझ जाइए ये वाला लाइन दिख रहा है, डबल लाइन दिख रही है जो यहाँ तक आखिरी तक मतलब यहाँ पर हो चुका है। आइए अब मैं उसको नीचे वाली या को भी रिमूव करता हूँ। आप किसी भी व्यू में काम कर सकते हैं, बट मुझे इस व्यू में थोड़ा सा ब्लैक बाउंड्रीज प्रॉपर नहीं लगती सिलेक्शन के लिए, तो मैं वायर फ्रेम मॉडल में कर रहा हूँ। अगेन गोइंग टू होम टैब, पॉलीगॉन ज्योमेट्री ग्रुप, स्टिच एजेस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टारगेट फेस राइट वाला, 1, 2, 3, जो नो ये वाली गैप रिमूव होनी चाहिए जो दिख रही है यहाँ पे। अप्लाई, ठीक है वो क्लोज हो गया है। एंड अगेन चेक करेंगे व्यू चेंज करके, सो देयर विल बी नो गैप। यहाँ पे भी देखिए जैसे इधर गैप दिख रही है, इधर दिख रही है, वैसी यहाँ नहीं है। एंड एक कंटिन्यूस लाइन भी दिख रही है। सो सेम चीज़ हमें अब लेफ्ट साइड में भी करनी है, एज वेल एज जो रिब है अंदर, दो रिब्स उनको भी अटैच करना है ये वाली। सो इसको भी अटैच कर लेता हूँ, मतलब हमारे राइट साइड के सारे ऑपरेशंस कंप्लीट हो गए। देखिए मैं सारी चीज़ें वन मतलब सिक्वेंशियल मैनेजमेंट कर रहा हूँ। मैंने पहले सारे अपर टॉप फेस जो है टॉप बूम फेस पे सारे ऑपरेशंस कर लिए, देन मैंने राइट बूम फेस पे सारे ऑपरेशंस कर लिए, एंड देन आई विल मूव टू द लेफ्ट। मेरा ये ऑपरेशन बचा है, इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। ठीक है इधर से जाके सिलेक्ट करता हूँ, तो ये वाली लाइन भी ब्लू होनी चाहिए। ओके अगेन सेम थिंग, ये एंड टारगेट फेस दिस वन ब्लू हो गया। सो इस साइड की सारी गैप्स मैंने राइट टॉप बूम के साइड वाली रिमूव कर दी है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक लाइन फिर भी पिंक है, तो डोंट वरी, कोई एक लाइन इस जॉइंट में ब्लू है मतलब गैप नहीं है। उससे बेहतर ये आप स्टाइल चेंज करके देखो, आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा वो चीज़ गैप है या नहीं। अभी मैं सिमिलरली लेफ्ट साइड बूम मतलब ये इस पे एंड टॉप बूम फेस जो है इन दोनों के बीच वाला गैप रिमूव कर रहा हूँ। सिलेक्शन 1, 2, 3 ठीक है, सारे एजेस टॉप बूम फेस के, देन इस साइड के सारे फेसेस, टारगेट ज्योमेट्री 1, 2, 3, 4, 5,
आज कनेक्टेड फेसेस है लैपटॉप होम में। नाउ हियर यू विल सी कि यहाँ वाला गैप फिल हो जाएगा। अप्लाई, अभी लाइन ब्लू हो गई हो। कैन यू सी, ये लाइन ब्लू हो चुकी है। मैं आपको स्टाइल चेंज करके दिखा देता हूँ। पहले एक बार देख लेते हैं सही हुआ है ना ऑपरेशन। पूरी तरह से हो चुका है स्टाइल चेंज, शेडेड विथ एज। हमने लेफ्ट साइड का ऑपरेशन किया है, अपर लेफ्ट अपर ये वाला। अभी बॉटम साइड पे आपको फिर भी गैप दिखेगी सी, ठीक है, वो भी हम रिमूव करेंगे। चारों साइड से चेक कर लो, हो गया है। सो अगेन आई एम चेंजिंग स्टाइल टू स्टैटिक वायर फ्रेम वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। टारगेट फेसेस 1 2 3 4। पांच फेसेस। यहाँ अब तक अपना जो गैप्स रिमूव करने का काम था एब्स्ट्रैक्शन, वो कंप्लीट हो चुका है। सो नो वेयर यू विल फाइंड। अच्छा, एक गैप अभी भी बची है लेफ्ट साइड के बूम्स, जैसे ये मैं अटैच किए ये बच्चे हैं उनको भी अटैच कर देंगे। सो देखिए इस साइड से आपको ये जो इनकम्प्लीट लाइन दिख रही है बूम्स की है, जो कि लेफ्ट साइड से विजिबल नहीं होगी। सी, ये अभी बहुत ही कम दिख रही है, ये पूरी यहाँ तक दिखनी चाहिए। सो वो वाला ऑपरेशन भी कंप्लीट कर लेते हैं। अगेन आई एम गोइंग टू होम टैब, पॉलीगॉन ज्योमेट्री ग्रुप एंड स्टिच एज, मैनुअल एज टू फेस, विच एज आई वांट टू सिलेक्ट दिस वन एंड विच फेस दिस वन, अप्लाई। ओके, ब्लू हो चुका है एंड ये वाला बच्चा अभी। सो अगेन दिस एज एंड दिस फेस अप्लाई। अब सारे गैप्स रिमूव हो चुके हैं। क्लोजिंग दिस विंडो, सेविंग, ये सेव कर लिया। एंड अगर आप देखेंगे जो फाइल मेरे पास है, मैंने ऑलरेडी मटेरियल प्रॉपर्टीज एंड व्हाट आई कैन से थिकनेस दे रखी है मिड सरफेस को। आप अगर मेरे प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज देते हैं एंड मटेरियल प्रॉपर्टीज देते हैं एंड हाउ टू क्रिएट द कलेक्टर्स। सो ये दोनों ऑपरेशंस आपको मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में दिख जाएंगे। सो अभी मैं सिर्फ 2D मेशिंग करूँगा एंड यहाँ जो जो मटेरियल है मैंने, सॉरी, जो जो फेसेस को मैंने मटेरियल अलग से दिया है उनको अलग अलग मेश करूँगा। सो हियर आई विल फाइंड द ऑप्शन टू सिलेक्ट दैट पर्टिकुलर फिजिकल प्रॉपर्टी ग्रुप। तो यहाँ पे सारे ड्रॉप डाउन लिस्ट में अवेलेबल है जो यहाँ पे नाम, तो वन बाय वन मैं करता हूँ अभी। बूम टॉप। अच्छा, हमें ये सिलेक्शन के लिए अभी वायर फ्रेम की ज़रूरत नहीं है, इसको पहले चेंज कर लेते हैं शेडेड, ठीक है। क्या है ये बूम टॉप, इसको सिलेक्ट करना रहेगा ये सारे अपर फेसेस ऑब्जेक्ट्स में। वन टू
एंड टेट्रा 3 रखता हूँ, आसान हो जाएगा। इसका भी साइज बढ़ा देता हूँ 10 mm, एंड देन यू कैन कीप ऑटोमेटिक एलिमेंट साइज बाय क्लिकिंग हियर, जस्ट से अप्लाई। ये ऊपर वाली मेश क्रिएट हो रही है, हो चुकी है, फाइन है, सफिशिएंट है। देन दूसरा वाला मैं भी सिलेक्ट करता हूँ, बॉटम बॉटम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद इसको इस तरह से 1, 2, 3 साइज़ वगैरह वही सेम रखता हूँ, अप्लाई। हियर यू कैन सी द चेंजेस, जैसे मैंने पहले को मेश किया था यहाँ पे अलग मेश हुआ, अभी यहाँ पे इसके नीचे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनेगी एंड नया मेश क्रिएट होगा। यू लुक एट हियर, आई एम क्लिकिंग ऑन अप्लाई। तो जैसे ही मेशिंग कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे आपको एक नया मेश दिखेगा सी हियर। अब इसके कलर्स भी अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है, ये थोड़ा अलग है ये। देन नेक्स्ट बूम साइड, मतलब दोनों साइड राइट एंड लेफ्ट मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, 1, 2, 3, 4 ये वाला भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, 2, 3, 4, 5 हो गया। जस्ट वी हैव टू क्लिक ऑन अप्लाई, वी आर एक्सपोर्टिंग टू दिस मेश टू सॉल्वर, मतलब हम लोग सीड मेशिंग नहीं कर रहे। सीड मेशिंग पे भी मैंने अलग वीडियो बनाया है, यू कैन चेक इन प्लेलिस्ट। जस्ट अभी हमें रिमेनिंग 2 मेशेस क्रिएट करना है एंड डायरेक्टली वी विल गो फॉर सिमुलेशन, बाउंड्री कंडीशंस एंड ऑल। अभी बूम ईयर्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, ये दोनों 1, 2। जैसे आप जूम करोगे तो आपको मेश दिखाई देगी, इसको मैं भी कर रहा हूँ, ओके अप्लाई कर रहा हूँ, ओके करूँगा तो विंडो क्लोज हो जाएगी, फिर से ओपन करनी पड़ेगी। चलो ये भी हो गया मशीन, अभी बस रिब्स बचे हैं, तो सिलेक्शन आसान हो जाए इसलिए मैं ये हाइड कर देता हूँ, ऊपर वाला पॉलीगॉन बॉडी। टॉप सरफेस, वेयर इज द पॉलीगॉन बॉडी, मैच अभी भी दिख रहा है, कोई नहीं, वी कैन सेलेक्ट फ्रॉम हियर। यहाँ से अगर नहीं बन रहा है काम तो ये वाला एक रिब एंड दूसरा ये वाला एक रिब, यहाँ से बूम रिब एंड अप्लाई। ठीक है, अभी सारे मेशिंग हो गया, मटेरियल प्रॉपर्टीज भी ऑलरेडी मैंने दे रखी है एंड डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आप मेज भी चेक कर सकते हैं। जस्ट वी हैव टू क्रिएट सीम फाइल, अप्लाई बाउंड्री कंडीशंस एंड डिफरेंट, जस्ट वी हैव टू सॉल्व इट आफ्टर अप्लाइंग द बाउंड्री कंडीशंस। यहाँ तक का काम मैं सेव कर लेता हूँ। Now we'll go to home, from this context group you will find new simulation option. All these files should be saved in one folder, frame file, scene file. Say okay. यहाँ कुछ चेंज नहीं करना है, हमें स्ट्रक्चरल ही एनालिसिस करना है। So I'm not changing the solver, keeping SimCenter Nastran as it is. Then linear 101 solution here rakhna hai, create solution,
फिर सेम फाइल आप देखेंगे ये सॉल्यूशन हो गया क्लियर। यहाँ पे भी कुछ करना नहीं, जस्ट मैं मेरी कंफ्यूजन दूर हो जाए यहाँ से एक बार वो कर ले तो ठीक है। आउटपुट रिक्वेस्ट में भी अगर अपन 1D एनालिसिस करते हैं, क्योंकि हमने कुछ 1D इंस्ट्रक्शंस भी दे रखी है मशीन के पहले, सो ये आउटपुट रिक्वेस्ट को मैं ना फोर्स इनेबल कर देता हूँ यहाँ से। सी ज़रूर नहीं हर बार, बट कुछ एरर ना आए इसलिए मैं सेफ साइड में कर रहा हूँ ये इनेबल। जस्ट ओके, यू कैन ट्राई इट विदाउट इनेबलिंग दिस आउटपुट रिक्वेस्ट फोर्स के लिए। अभी फिर से सेम फाइल ओपन हो चुकी है, पॉलीगॉन ज्योमेट्री एंड मिड सरफेस दोनों दिख रहा है, मुझे पॉलीगॉन ज्योमेट्री का काम नहीं है। अगेन मैं क्या करूँगा कि पॉलीगॉन बॉडीज़ में जाके यहाँ से सारी पॉलीगॉन बॉडीज हाइड कर देता हूँ, क्योंकि मैंने मेशिंग तो मिड सरफेस पे किया है, सो बाउंड्री कंडीशन भी मैं मिड सरफेस पे अप्लाई करता हूँ। कोई भी सरफेसेस दो फिक्स कर देते हैं, फिक्स्ड कंस्ट्रेंट ये एक एंड दूसरा दोनों फिक्स। ये कह रहा है एल बी क्या कहते हैं बाउंड्री कंडीशन का ग्रुप ना लोड एंड बाउंड्री कंडीशन का क्रिएट हो जाएगा एल बी सी। तो यहाँ हो गया है वो, ये यू कैन सी दिस वन फिक्स्ड अगेन अप्लाइंग लोड, कुछ लोड ऐड कर देते हैं, प्रेशर लगा देते हैं, लेट अस अज्यूम यहाँ लगा देते हैं ठीक है। एक दो तीन सर्फेसिस पे कितना लगाना है, लेट्स अज्यूम 100 मेगा पास्कल प्रेशर लग रहा है ओके। सो ये इस तरह से प्रेशर लग रहा है ठीक है। जस्ट अभी कुछ नहीं, हमें सॉल्व करना है सॉल्यूशन को से ओके। जब तक ये सॉल्व हो रहा है उसको कुछ छेड़ना नहीं है, लेट इट टेक इट्स ओन टाइम, तब तक अपना वीडियो सही चल रहा है नहीं देख लेते हैं। ओके सब कुछ सही चल रहा है, सॉल्यूशन सॉल्व होने को टाइम लगता है। इनबिटवीन कहीं पे भी कोई छेड़खानी नहीं करनी है, अब तक मैं एरर्स चेक कर लेता हूँ। इन्फॉर्मेशन विंडो ओपन हो चुकी है, जीरो एरर जीरो वार्निंग्स, मतलब हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट होने वाला है एंड वी विल गेट द रिजल्ट्स एज वेल। बट अभी तक सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ, सो लेट इट फिनिश। फिनिश होने के पहले कहीं क्लिक नहीं करना है, सॉल्यूशन इज कंप्लीट सो नो, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे भी क्लोज, जब तक कंप्लीट नहीं दिखाता है फिनिश नहीं होता है कुछ, ये विंडो क्लोज नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है। सो अभी हमें बस जाके रिजल्ट्स में रिजल्ट्स स्ट्रक्चरल पे डबल क्लिक करके रिजल्ट्स देखने हैं। क्लिक नहीं हुआ है,
इट टेक्स टाइम, काफ़ी ज़्यादा ग्राफिक्स इसमें यूज होते हैं। डिस्प्लेसमेंट चेक कर लेते हैं कितना हुआ है। दिस इज़ हाउ यू विल गेट द डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम यहाँ पे हो रहा है, जहाँ फिक्स है वहाँ पे मिनिमम है। आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, जैसे वन बाय स्ट्रेसेस, रिएक्शन फोर्सेस, एलिमेंटल स्ट्रेस देख लेते हैं वन बाय सिक्स, जो कि ज़्यादातर यूज़ होता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम रेड कलर दिख रहा है आपको, राइट। सो दिस इज़ हाउ वी कंप्लीटेड आवर स्टिचिंग ऑपरेशन अब्स्ट्रैक्शन में, एंड टू डी एनालिसिस हमने इस कंपोनेंट का किया है। इसको आप 3D में भी एनालाइज करके देख सकते हैं। टिल देन गुड बाय, आई एम साइनिंग ऑफ फॉर द डे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।